हमारे साथ मौजूद हैं किशोर कुणाल, पूर्व आईपीएस, और यहाँ पे आए हुए हैं पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में जो एलुमनाई मीट किया गया था पास स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट के साथ। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर कौन से बैच के थे आप? मैं यहाँ 1967 ईस्वी में आया था बीए पार्ट वन में इंजीनियरिंग छोड़ करके, और 70 तक था पटना कॉलेज में। फिर ऑनर्स करने के बाद 6 महीना पीजी में रहा हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। 71 में फिर यूपीएससी की परीक्षा दी, मैं चला गया, इसलिए एमए नहीं कर पाया था। बहुत बाद में जब मैं पलामू का एसपी था तो एमए हिस्ट्री से पटना रांची यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य किया, पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, और एमए संस्कृत भी बिहार विश्वविद्यालय से किया। तो पटना, रांची, संस्कृत विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय, सारी यूनिवर्सिटी से किए। सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी आपको कौन सा लगा? नहीं सर, पटना कॉलेज आया था। मैंने कहा ना कि सबसे मेरे सुखमय दिन यही थे, सबसे प्रसन्न में यही था, पढ़ना 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 कोई काम नहीं था। अच्छा, उस टाइम का कुछ आपके यादें होंगी जो आपको याद हो कि सबसे अच्छा था कॉलेज टाइम का? जैसे उस समय 69 ईस्वी में गांधी सेंटिनरी सेलिब्रेशन था, गांधी शताब्दी समारोह, तो उस समय पटना कॉलेज से मुझे भेजा गया था वर्धा, 1 महीना वहाँ रहा था, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी घटना है कि वो अमेरिका चांद पर पहुंचा था, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, महेंद्र प्रताप साहब प्रिंसिपल थे, तो वो आए सब हम लोगों को रात में ले जा करके सब किया। ये बीए लेक्चर थिएटर हॉल, इसी में कौन भी सभा हुई थी, आयोजन हुआ था, तो उन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया सभा का, मतलब सारे अध्यक्ष अध्यापक लोग बैठे हुए थे। तो महेंद्र प्रताप साहब के साथ बहुत अच्छे संस्मरण सब रहे, और हम लोग थे जो केवल पढ़ते थे। यहाँ से 9:40 में क्लास प्रारंभ होता था, 2:10 तक क्लास होता था, सीधे पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाकर बैठते थे, और जब लाइब्रेरी 6 बजे बंद होती थी तब वहाँ से आते थे। फिर 7 बजे से यहाँ पर जैक्सन हॉस्टल में था, वहाँ पर अनुशासन इतना था कि यदि 7 बजे नहीं पहुँचे तो फाइन हो जाता था, तो 7 से 9 तक स्टडी लीव होता था। फिर उसके बाद सर, तो अभी में और पहले में जो आपके टाइम में जो यूनिवर्सिटी था और अभी के टाइम में, वो क्या डिफरेंस देखने को मिला? अभी मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन अपने हम लोगों के समय में प्रोफेसर जो लोग थे, अधिकांश शरण शर्मा जी हों या योगेंद्र मिश्रा जी हों या प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जी हों, पॉलिटिकल साइंस में जो थे, सब अपने धुरंधर विद्वान सब लोग थे, उनकी बड़ी बड़े देश में उनका सम्मान था, और हम लोग भी सब पढ़ने का ही हम लोगों ने काम किया, और इतने अच्छे अध्यापक होते थे कि मेरा घर मुजफ्फरपुर जिला है, सामने उस समय पुल नहीं था, तो स्टीमर से आना होता था, तो किसी प्रोफेसर का क्लास छूट नहीं जाए, तो इसलिए हम लोग सुबह आ जाते, एक दिन पहले आ जाते थे शाम में, कि राम तवके शर्मा जी हिंदी पढ़ाते थे, प्रोफेसर दीनानाथ वर्मा जी हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो इतना आनंद आता था कि अभी के टाइम में जो स्टूडेंट्स उनमें डिसिप्लिन देखने को मिलता है सर? अब ये मैं निगेटिव कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों के समय में एकदम अनुशासन 100% था। अब आज कितना है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों के समय में अध्यापक ध्यान भी देते थे, और हम लोग पढ़ने के अलावा, खासकर जो हम लोग अध्ययनशील छात्र थे, इसलिए मैंने वही एक संदेश दिया कि अभी जब तक छात्र हैं तब तक पढ़ते रहिए। अच्छा सर, जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो शॉर्टकट लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं ना जो सक्सेस है उसके लिए शॉर्टकट पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उनको क्या? मैं बतला दूँ, शॉर्टकट बहुत फ़ायदा नहीं करते। जैसे मैं आपको बतला दूँ, मैंने इधर बहुत किताबें लिखी है, मैं दिन भर लिखता रहता हूँ, लेकिन जब तक मैं छात्र था मैंने एक भी नोट नहीं बनाया। मैं इस किताब शुरू से कहाँ से छपी पीएस लेकर के अंत तक पढ़ने वाले व्यक्ति हूँ, इंडेक्स पढ़ करके मैंने कभी परीक्षा नहीं दी, नोट बनाया। उसका लाभ मैं आपको बतला दूँ, मैंने बीए पार्ट वन में पटना यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो भी साइंस से आकर के 5 महीने के अंदर पढ़ करके। ऑनर्स में इतनी मैंने पढ़ाई की थी कि मैं सोच रहा था कि ऑनर्स में भी रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा, नहीं हो पाया।
थर्ड हो गया। वो अलग कहानी है कि एक पेपर में मेरी निगेटिव मार्किंग कर दी गई। उसके बाद UPSC की परीक्षा और सब दे रहे थे, मैंने भी देखा देखी फॉर्म भरा, लेकिन मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था कि मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन जो मेरा पढ़ा हुआ था ऑनर्स का नोट नहीं, वो मैंने जी भाई आपको बतलाऊँ, एक एस्से लिखना होता था 4 घंटे का, तो एक ऐसा था जो प्री मार्क्सियन फिलोसफर था कि प्रॉपर्टी इज नॉट थेफ्ट बट ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू थेफ्ट, मतलब संपत्ति अपने आप में चोरी नहीं है, फिर बहुत संपत्ति एकत्र हो जाए तो वो चोरी हो जाती है। तो मेरा जो पढ़ा हुआ था, इधर 6 महीने में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन जो मेरा पहले का पढ़ा हुआ था उसी के आधार पर प्री मार्क्सियन मार्क्सियन फिलोसफी में नहीं तैयारी की थी, लेकिन इंग्लिश पर जो कमांड था उसमें भी मुझे 65% अंक आ गए। तो वह जो है पढ़ा हुआ वो काम आता है, और इसलिए मैं शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता, पूरा पढ़िए। हाँ, और इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो ऑनर्स में सारे सवाल आए हुए थे, अशोका धम अकबर दीन इलाही, यही सब इसमें भी आया है तो ना, तो उस समय मैं सोचा कि और सब तो सब 10 में 10 पॉइंट लिखेंगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो सोचा कि कौन कौन प्रश्न है जो छात्र कोई नहीं लिख पाएगा, मतलब कोई कैंडिडेट नहीं लिख पाएगा जी। तो मुझे लगा कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, सोचा कोई नहीं वो हॉल में लिखने वाला है, इन्फ्लुएंस ऑफ वीमेन ऑन मुगल पॉलिटिक्स, उस समय नहीं आता था, ये सब 4-5 सवाल लिखे, तो पढ़ा हुआ पहले का था इसलिए काम आया, तैयारी नहीं की, इसलिए मैं शॉर्टकट का भी फायदा कभी नहीं करता। तो ये थे किशोर कुणाल जी, जो पूर्व IAS थे और पूर्व IPS थे, जिन्होंने ये बताया कि शॉर्टकट का कोई भी आप सक्सेसफुल पाना चाहते हैं तो शॉर्टकट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको मिल जाएगा, आप कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।